हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों से क्रिस्पी आलू टिक्कीज़। इसे या तो एंजॉय करें आप केचप के साथ, या फिर आनंद उठाएं इसका चटनी, सौंठ और दही डालकर, मसाले डालकर टिक्की चाट बनाकर। टिक्की बनाने के लिए मैं एक कप फ्रिज में पड़े हुए चावल ले रही हूँ। ठंडे चावल हैं, इसमें नमक और जीरा बनाते वक्त ही डाला हुआ था, तो इसे ब्लेंड कर लेना है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि इसमें ब्लेंड करते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप टिक्की बनाने के लिए स्पेशली चावल बना रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें। और ये ध्यान रखें कि हमें टिक्की के लिए फ्रिज के ठंडे चावल ही चाहिए। फ्रिज में रखने से वे थोड़े ड्राई हो जाते हैं, उनसे बढ़िया टिक्की बनती है। इन पिसे हुए चावलों को निकाल लूँगी एक बोल में, और इसी में मैं कद्दूकस कर लूँगी दो उबले हुए आलू। ठंडे आलू हैं, फ्रिज के ठंडे। और इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, ना तो आप बिल्कुल ताज़े उबले हुए आलू लें और ना ही आलूओं को हाथ से मैश करें। इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे तो हमारा जो डो बनेगा वह बहुत ही स्मूथ बनेगा, गुठलियाँ नहीं रहेंगी उसमें बिल्कुल भी। आलू को राइस के साथ मिक्स करके एक स्मूथ डो बना लूँगी। चावलों में क्योंकि नमक डाला हुआ था तो उस वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो हमें लेकिन डो चाहिए थोड़ा सा ड्राई। तो मैं डाल रही हूँ साथ में एक बड़ा चम्मच राइस फ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डाल लें, चाहे तो पिसा हुआ पोहा डाल लें, ब्रेड क्रम्स डाल लें। इस डो में हमने नमक नहीं डालना है, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। बाज़ार वाले जो टिक्की वाले हैं वह भी इस मिक्स में नमक नहीं डालते, उसकी स्टफिंग में नमक डालते हैं। तो देखिए, यहाँ हो गया हमारा स्मूथ डो तैयार। इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल लगा दूंगी ताकि ये ड्राई ना हो और थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। और इसे अभी रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। जब तक डो रेस्ट करता है तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए आधा कप चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से धोकर डालूंगी कुकर में, साथ में एक कप पानी, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी और एक तिहाई छोटा चम्मच नमक। ये सब डालकर मैं इसे दिला दूंगी दो सीटी और प्रेशर अपने आप ही निकलने दूंगी। और जब प्रेशर निकल जाएगा तो चेक कर लेते हैं किस तरह से रेडी हुई है दाल। दाल पकी हुई होनी चाहिए, लेकिन उसका एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए, मशी नहीं होनी चाहिए दाल, घुलनी नहीं चाहिए। और इस दाल को अब मैं छान लूँगी, बिल्कुल रेडी हो गई है। दाल से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे स्टफिंग बनाने से पहले। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर गैस पर चढ़ाया है एक पैन मीडियम हीट पर। इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच तेल, और तेल गर्म होने पर डालूंगी एक छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा चटकने पर डालूंगी मैं दो हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए मैं सॉटे कर लूँगी। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें दो बड़े चम्मच मटर के। मैंने लिए हैं फ्रोज़न मटर, जिन्हें मैंने माइक्रोवेव में दो मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो आप उन्हें दाल के साथ ही बॉयल कर सकते हैं। इसको मिक्स करूंगी और इसमें डालूंगी हमारी छनी हुई दाल। फ्रेंड्स, दाल अच्छे से छनी हुई होनी चाहिए। और इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ तीन चौथाई छोटा चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार डाली, मैंने हरी डाल दी है तो कम डाली है लाल मिर्च, और साथ में एक तिहाई छोटा चम्मच गरम मसाला, तीन चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर स्वाद अनुसार। इससे हमारी स्टफिंग बनेगी बहुत ही चटपटी। इन सबको कर लेंगे मिक्स, और दाल और मटर के साथ जो भी एक्स्ट्रा पानी आ गया है उसे सुखा लेना है, एक मिनट ही लगेगा इसमें। इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके अब मैं दाल और मटर के दानों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि अलग अलग ना दिखाई दें, थोड़ा सा एक मिक्सचर सा बन जाए। और अब इसे करना है ठंडा। हाँ फ्रेंड्स, इसमें सौंठ डालनी रह गई, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सौंठ। अगर आपके पास सौंठ नहीं है तो आप ताज़ी अदरक कद्दूकस कर लें, और जब जीरा भुना था उसके बाद ही अदरक को भी भून लें। ये सबको भी करूँगी अच्छे से मिक्स। मसाले को टेस्ट ज़रूर कर लें, ये अच्छा तीखा करारा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, तभी टिक्की स्वाद बनेगी। और अब इसे मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लूँगी। स्टफिंग को बिल्कुल ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ फट सकती हैं तेल में। डो ने फ्रिज में रेस्ट कर लिया है, और फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा सा और भी ड्राई हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सा मॉइस्ट है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर मिलाकर इसे थोड़ा सा गूंद लें। ड्राई होना चाहिए ताकि अच्छी शेप आएगी, और स्टफिंग भी हो गई है ठंडी। इसे मैं डिवाइड कर लूँगी बॉल्स में, इक्वल साइज्ड बॉल्स। हाथ पर तेल लगाकर अब मैं हर टिक्की को शेप देने लगी हूँ। तो बॉल को लूँगी हाथ पर और उसे इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर दूँगी सेंटर में, और प्रेस करके इस तरह से प्रेस करना है कि साइडें जो हैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी हो जाएं, एक कटोरी सी बन जाए जिसमें हम स्टफिंग डाल सकें। मैं हर टिक्की में डाल रही हूँ दो छोटे चम्मच स्टफिंग। इसमें कम स्टफिंग ना भरें, जितनी स्टफिंग होती है उतना ही टिक्की टेस्टी लगती है। टिक्की को बंद करने के लिए मैं थंब से ऐसे स्टफिंग जो है उसको दबाती रहूँगी, और अपनी हथेलियों को अंदर की तरफ दबाती रहूँगी ताकि जो उसकी साइड्स हैं
वो अंदर खड़ी होती जाएं और अंदर दबती जाएंगी। ये देखिए कैसे मैं हथेलियों को प्रेस कर रही हूँ और धीरे धीरे जो टिक्की का मुंह है वह छोटा होता जा रहा है। थम से मैं स्टफिंग को अंदर दबाती जाऊंगी। इस तरह से पैक करते हैं तो हमारी टिक्की बड़ी फर्म बनती है, स्टफिंग और डो में कोई गैप नहीं रहता। अब अपनी हथेलियों के बीच में इसे फ्लैट कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से। मेक श्योर कि इसमें कोई क्रैक्स ना रहें। अगर कोई क्रैक है तो उसे दूसरे डो से, बाहर से डो लगाकर उसे सील कर दें और फिर इस तरह हथेली पर रोल करते हुए इसे गोल शेप दे दें। बहुत ही बढ़िया सी टिक्की हमारी तैयार हो गई है। मैं दूसरी टिक्की बनाते टाइम आपको एक और तरीका दिखाती हूँ इसे रोल करने का। यहाँ मैंने दूसरी टिक्की को बंद कर लिया है। अब इसे गोल शेप देने के लिए मैं देखिए अपनी थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में इस तरह से रोल कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत ही अच्छी गोल शेप आ जाती है, बहुत स्मूथ बनती है। बस एग्जैक्टली इसी तरह से मैं अपनी बाकी सारी टिक्कीज भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए ये रेडी हैं, अब इन्हें तलते हैं। टिक्की तलने के लिए कोशिश करें ऐसी कढ़ाई लें जिसका तला थोड़ा फ्लैट हो, ताकि टिक्की की शेप जो है बिल्कुल फ्लैट आए। और हीट को मैंने रखा हुआ है मीडियम पर। और तेल की क्वांटिटी कितनी लेनी है, इतनी रखें कि हर टाइम पर टिक्की की मोटाई से आधी से ज़्यादा तेल हमेशा हो, आधे से ज़्यादा तेल। तो उससे होगा ये कि लास्ट टिक्की भी जब तल रहे होंगे तो उसे पलट कर तलने के लिए हमारे पास सफिशेंट तेल होगा। इसे मैं थोड़ा सा डो डालकर चेक कर रही हूँ और देखिए डो डालने पर आसपास तेल सिजल करने लग गया है, बिल्कुल ऊपर उठ के नहीं आ रहा है बट आसपास का तेल सिजल कर रहा है, यानी कि हमारा तेल तैयार है। तेल में डालने से पहले हर टिक्की को एक बार इंस्पेक्ट कर लें कि कहीं पर कोई क्रैक ना हो। कढ़ाई के साइज को देखते हुए मैं एक बार में तीन टिक्की फ्राई करूंगी। टिक्की डालने के बाद मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में और ऊपर की साइड पर इस तरह से तेल थोड़ा सा मैं डालती जाऊंगी पलटे से। अब बॉटम साइड को फ्राई होने में लगभग 2.5 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी टिक्की की शेप फ्लैट रहे इसके लिए हमें इसे बार बार पलट पलट कर नहीं फ्राई करना है। एक साइड फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमने उसे पलटना है। और फ्रेंड्स, जब आप पहली बार इस तरह से टिक्की बना रहे हो तो आप उसे 1.5 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हीट सेटिंग्स सबकी अलग अलग होती हैं। यहाँ इस टिक्की की बॉटम साइड कुक हो गई है, फ्राई हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया सी क्रिस्पी देखने में ही पता चल रहा है क्रिस्पी है। इन्हें मैं पलट लूँगी और दूसरी साइड को भी फ्राई कर लूँगी। टिक्की के एक बैच को फ्राई करने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। बस फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ ही तल लेनी हैं। गर्मा गर्म क्रिस्प आलू की टिक्कियाँ, गोल्डन टिक्कियाँ तैयार हैं, जो कि हमने बनाई हैं बचे हुए चावलों से। है ना फ्रेंड्स, बढ़िया सा तरीका बचे हुए चावल इस्तेमाल करने का। इन टिक्कियों को या तो बिल्कुल एज इट इज़ खाएँ केचप के साथ, या फिर डालें सैंडविच में, या बर्गर बना लें प्याज टमाटर डालकर, या बनाएं इसकी चटपटी टिक्की चाट। चाट बनाने के लिए टिक्की को इस तरह से खोलें और देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया क्रिस्प लेयर आई है। इसकी जो आउटर लेयर है आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी लेयर आई है। और इसे डालें प्लेट में, इसके ऊपर डालें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, उस पर डालें बीट की हुई गाढ़ी दही, हरी चटनी, इमली या अमचूर की चटनी, साथ में डालें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। हो गई आपकी चटपटी टिक्की चाट तैयार। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये बचे हुए चावलों से बनी हुई आलू टिक्कीज़ और इनके प्रेजेंटेशन का तरीका? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।